वेलकम टू तो द तो पहाड़ी फैमिली ब्लॉग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे इस सर्दियों में मैं आपके लिए ले लेकर आई हूँ झटपट बन जाने वाला गाजर का हलवा एक डेढ़ घंटा मैं भी बनाने में उसे लगाती थी लेकिन अब मुझे लग, बनाने में लगता है केवल 20 मिनट का समय अगर आपके घर वालों को भी पसंद है गाजर का हलवा खाना तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा और कैसे बना कैसा आप लोगों को उसका टेस्ट लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा अगर आपको पसंद आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है तो पहले आप देख लीजिए आप लोगों को ये जो गाजर का हलवा मैं बना रही हूँ वो रेसिपी कैसे लगती है अगर आपको पसंद आती है तो आप क्या करेंगे आप सबको पता ही है आइए आप देखिए मैंने गाजर का हलवा बनाया कैसे आसान तरीके से गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्रेशर कुकर घी और मोटे मोटे कटे हुए गाजर अभी आप आगे देखेंगे हमने गाजर को काटा किस तरीके से है फिलहाल हमने रख दिया है प्रेशर कुकर तेज आंच पे हमने इस तरीके से गाजर को काटा है मोटा मोटा आप इससे थोड़ा और मोटा भी काट सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा छोटा ना काटें अब हमने प्रेशर कुकर में घी गरम होने के बाद उसमें डाल दिया है गाजर गाजर को हम थोड़ी देर फ्राई होने देंगे कम से कम तीन से चार मिनट का टाइम लेंगे हम लोग इसे फ्राई करने के लिए अब हमने फ्राई कर दिया है फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची हरी इलायची को हमने कूटा है अंदर वाला पार्ट हमने बचा लिया है बाहर के जो इलायची होती है हरी जो उसका कवर होता है वो हमने इसमें डाल दिया है अब हमने डाला है इसमें नमक नमक हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले हैं बिना पानी के गाजर जल सकती है जले ना इस वजह से हम लोग इसमें नमक का यूज़ कर रहे हैं और नमक का यूज़ करने के बाद आगे आप देखेंगे अभी सबके मन में डाउट आ रहा होगा कि दूध फटेगा तो नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आगे देखिए आप गाजर पक चुकी है गल चुकी है हमने इसमें केवल एक से दो सीटियाँ लगाई थी अब दो सीटी लगाने के बाद जो गाजर है वो गल गई है और अब हम इसमें डाल देंगे दूध दूध डालेंगे कोई भी इस गाजर को मैश ना करें अपने हाथों से ये अपने आप मैश हो जाती है जैसे जैसे आप इसे चलाते रहेंगे ये मैश होती रहेगी कड़छी की जगह आप पूरी निकालने वाला स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं आप उसका यूज़ करें और इसको ये कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं है जो आप इसको मैश करना पड़े तो ये अपने आप ही जैसे जैसे दूध के साथ गलता रहेगा दूध एकदम अब्जॉर्व हो जाएगा दूध एकदम ख़त्म होने लग जाएगा वैसे ही इसके चंक्स बनते रहेंगे आगे आप देखेंगे जिस तरीके से ये पक रहा है उस तरीके से इसमें लग रहा है दस मिनट का टाइम दस मिनट के बाद आपके सामने ये रिज़ल्ट है इस तरीके से ये हो गया आप देख रहे हैं इसमें दूध बिल्कुल नहीं दिख रहा है आप बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से आप इसे चलाएं और ये आपके सामने जो रिजल्ट है वो देखने लायक है आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी ये गाजर काफ़ी मीठी थी इसीलिए हम लोगों ने इसमें बहुत ही कम चीनी डाली है साथ ही हम लोगों ने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप पहले डाल सकते हैं बाद में डाल सकते हैं जैसे आपको सही लगता है वैसे डाल सकते हैं हम लोग बाद में डालते हैं क्योंकि फिर वो उसका जो चंक्स होते हैं वो मुँह में आते हैं तो अच्छा लगता है आपने जो ये ग्रीन कलर के सीड्स देखे ये थे पम्पकीन सीड आप ये देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में गाजर का हलवा गाजर का हलवे को अभी देखते हुए मुंह में पानी आ रहा है जो सामने बना था तो बहुत ही मज़ा आया इसे खाने में टेस्ट बिल्कुल अलग था इस आसान तरीके से बनने वाले गाजर के हलवे को बना सकते हैं आप ट्राई कर सकते हैं इसको बनाना बहुत ही कम समय में बन जाता है आधे घंटे का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा आपको जो बिगनर्स हैं जो नए नए हैं हम लोग इसे 20 मिनट के अंदर अंदर बना लेते हैं आप लोग भी इसको बनाएं एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं वो पर्सनली मैसेज करने की जगह अगर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपको कैसा लगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा मैं ऐसे ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी आपके लिए लाती रहूंगी दोबारा आ गई हूँ मैं आपसे यहीं पे मिलने के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको पसंद आई है तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी पता चल सके कि हम लोग आसानी से गाजर का हलवा बनाते कैसे अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथ ही मैं हुई है उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ तब तक लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें प्यार बांटते रहें